मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट के थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम आज के इस लेक्चर में आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। आदर्श गैस का रुद्धोष्म प्रसार यानी इसके अनुसार जब निकाय तथा परिपार्श्विक के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता तो इस प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रमों में निकाय तथा परिपार्श्विक के मध्य ऊष्मा का विनिमय नहीं होता यानी कि क्यू इक्वल्स टू जीरो होगा, तो माइनस डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी कि जब इस इक्वेशन में हम क्यू इक्वल टू जीरो का मान रखेंगे तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो होगी माइनस डेल्टा ई इक्वल्स टू डब्ल्यू, यानी कि इस स्थिति में ताप कम होगा। यदि बाह्य दाब पी तथा गैस के आयतन में वृद्धि डेल्टा बी है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य पी डेल्टा वी के बराबर होगा, यानी कि हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। यदि ताप में कमी होती है तो उस स्थिति में या ताप में परिवर्तन होता है तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू सी वी, यानी कि हम अगर डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू है तो यानी कि किया गया कार्य यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा जो है आंतरिक ऊर्जा के व्यय पर होगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा कार्य को करने में। अब चूंकि और आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी यानी कि इस वजह से ताप में कमी आएगी, तो यदि ताप में कमी डेल्टा टी हो तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू सी वी के बराबर होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल्टा टी, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर माइनस सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा। तो ये जो तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन से हम लिख सकते हैं। तो यह समीकरण रुद्धोष्म प्रसरण में आदर्श द्वारा गैस द्वारा किए गए कार्य को बताता है, यानी कि सी वी डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। अगर परिवर्तन अनंत सूक्ष्म होता है यानी कि अगर ताप में परिवर्तन अनंत सूक्ष्म है तो आयतन में परिवर्तन भी अनंत सूक्ष्म होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं वी प्रोपोर्शनल टू टी होता है, तो यहाँ पर अगर आंशिक परिवर्तन अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है तो सी वी टी टी इक्वल्स टू माइनस पी डी वी। और आइडियल गैस समीकरण के अनुसार आदर्श गैस समीकरण के अनुसार पी वी इक्वल्स टू आर टी, तो सी वी डी टी इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। यहाँ पर हमने पी की जो है वैल्यू रखी है आर टी अपॉन वी, तो सी वी डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस आर डी वी अपॉन वी। तो अगर हम जो है लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन टी वन से टी टू के बीच में करें और राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेशन आयतन में जो परिवर्तन है वो वी वन से वी टू होता है तो वी वन से वी टू के बीच में करेंगे, तो यहाँ पर ये जबकि सी वी को ताप पर निर्भर नहीं मानने पर इस कंडीशन में तो जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी सी वी लॉग टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू माइनस आर लॉग वी टू अपॉन वी वन, या लॉग टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू माइनस आर अपॉन सी वी लॉग वी टू अपॉन वी वन, या हम इसको लिख सकते हैं लॉग टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू आर सी वी लॉग वी वन अपॉन वी टू। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर के बराबर होता है,
तो यहाँ पर आर अपॉन सी बी इक्वल्स टू इसको हम तो पूरे को सी बी से हम डिवाइड कर दें, सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर को, तो हम देखते हैं कि आर अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी बी माइनस सी बी अपॉन सी बी। तो यहाँ सी बी अपॉन सी बी बराबर तो वन के हो जाएगा और सी पी अपॉन सी बी बराबर गामा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आर अपॉन सी बी इक्वल्स टू गामा माइनस वन, यानी सी पी अपॉन सी बी इक्वल टू गामा और सी बी अपॉन सी बी इक्वल टू वन है। तो आर अपॉन सी बी इक्वल्स टू गामा माइनस वन। तो लॉग टी टू अपॉन टी वन इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में लॉग टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू आर सी बी लॉग वी वन अपॉन वी टू के बीच में हम रखें, तो जो इक्वेशन हमें मिलेगी आर जो इक्वेशन मिलेगी वो होगी लॉग टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू आर माइनस वन। यहाँ पर हमने आर अपॉन सी बी की वैल्यू रखी इस इक्वेशन में, लॉग वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू लॉग वी वन अपॉन वी टू की पावर होगी गामा माइनस वन। तो चूंकि टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू वी वन अपॉन वी टू आर गामा माइनस वन, तो टी टू वी टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू टी वन वी वन गामा माइनस वन। यह समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ताप आयतन संबंध को बताती है। आइडियल गैस के लिए पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन टी टू, तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन पी वन वी वन इक्वल्स टू बी वन अपॉन वी टू, ये ऊपर वाली समीकरण जो कि ताप आयतन संबंध को बता रही है उसके अनुसार बी वन अपॉन वी टू गामा माइनस वन, या पी टू अपॉन पी वन इक्वल्स टू बी वन अपॉन वी टू की पावर गामा, तो पी टू वी टू गामा इक्वल्स टू पी वन वी वन गामा। यह समीकरण दाब आयतन संबंध को रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो है दाब आयतन संबंध को बताती है। चूँकि पी वन वी वन अपॉन पी टू वी टू इक्वल्स टू टी वन अपॉन टी टू, तो यह हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन टी वन अपॉन टी टू, या बी वन अपॉन बी टू गामा माइनस वन इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन गामा माइनस वन टी वन अपॉन टी टू गामा माइनस वन। तो टी टू अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन गामा माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय टी वन अपॉन टी टू गामा माइनस वन। तो टी टू अपॉन टी वन गामा इक्वल्स टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन। तो पी वन गामा माइनस वन टी वन गामा इक्वल्स टू पी टू गामा माइनस वन टी टू गामा। यह समीकरण रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दाब ताप संबंध को बताती है। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रमों में हम लिख सकते हैं कि टी वी गामा माइनस वन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी गामा पी गामा माइनस वन पी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि आदर्श गैस के रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य, वर्क डन इन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किया गया कार्य जो है वो होगा यदि आयतन में परिवर्तन बी वन से बी टू के बीच में होता है तो ये सूक्ष्म परिवर्तन के लिए पी डी वी के बराबर होगा किया गया कार्य। रुद्धोष्म प्रक्रम में पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है,
तो पी बराबर के अपन वी गामा। तो यहाँ पर पी अपन गामा की वैल्यू डब्ल्यू की वैल्यू में रखेंगे, तो पी इक्वल टू के अपन वी गामा की वैल्यू जो है वर्क वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो वर्क डब्ल्यू इक्वल्स टू वी वन टू वी वन और इंटीग्रेशन करने पर वी वन से वी टू तक के अपॉन वी गामा डी वी, तो इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा के वी टू वन माइनस गामा माइनस के वी वन वन माइनस गामा। लेकिन पी वन वी वन गामा इक्वल टू पी टू वी टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा पी टू वी टू गामा वी टू वन माइनस गामा माइनस पी वन वी वन गामा वी वन वन माइनस गामा की पावर वन माइनस गामा, तो इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा ब्रैकेट में पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन ब्रैकेट क्लोज, तो इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस गामा एन आर टू आर टी टू माइनस एन आर टी वन, या डब्ल्यू इक्वल्स टू एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन वन अपॉन गामा, क्योंकि आर इक्वल टू सी पी माइनस सी वी वन है, सी पी माइनस सी वी है, तो आर गामा इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी के बराबर होता है, तो अतः डब्ल्यू इक्वल्स टू एन सी पी माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन वन माइनस सी पी, यहाँ पर हमने गामा की वैल्यू रख दी तो वन माइनस सी पी अपॉन सी वी, यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू एन सी पी माइनस सी वी ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन वन माइनस सी पी अपॉन सी वी है, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो एक मोल गैस के लिए किया गया कार्य जो है W इक्वल्स टू माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन के बराबर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।